फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चीज़ मैगी बनाना बताऊंगी। बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे खाने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन लिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल, बड़ा चम्मच। यहाँ पे ले मैंने हरी मिर्च, कैप्सिकम, लहसुन और प्याज बारीक कटी हुई। यहाँ पे मैंने दो प्याज यूज किया है। मिर्ची आप तीखा कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। लहसुन और मिर्ची को मैंने दोनों साथ में डाल दिया है, साथ में इसको भुनेंगे। तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को भी मुझे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस कलर चेंज होने तक थोड़ा सा इसको भुनना है। जब प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो इसमें कैप्सिकम डाल देना है। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम कैप्सिकम। इसको भी ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस एक से दो मिनट तक इसको हम चलाते हुए भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी। यहाँ पे मैंने दो पैकेट मैगी यूज किया है, तो इसलिए दो कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप मैगी पैकेट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप तीन बना रहे हैं तो तीन कप पानी, अगर आपके पास ना। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक के बाद इसमें डालेंगे मैगी टेस्ट मेकर। मैगी बना रहे हो और मैगी टेस्ट मेकर ना डालें तो मज़ा ही नहीं आता। तो दो पैकेट मैगी है तो दो पैकेट टेस्ट मेकर भी डालेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हम मैगी। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके इसको हम ढक देंगे। अभी इसको हम तोड़ेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा बॉयल आएगा तो ये अपने आप जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से खुल गई मैगी सब। तो दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आपने इस रेसिपी को अभी तक नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आपको ये बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर से डालूँगी चीज़। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से चलाते हुए। इसमें मुझे अलग से और कोई मसाला नहीं डालना है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने बस टेस्ट मेकर का ही यूज किया है। तो मैगी मेरी बनकर तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो अब इसके ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो ना डालें। मेरे यहाँ सब लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए अब इसमें हम डाल रहे हैं ओरिगैनो। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी मैगी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म इसको सर्व करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh